हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास एंड यू आर वाचिंग मी ऑन आर्ट मैजिक बाय विकास। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आज की वीडियो होने वाली है एकदम दिवाली स्पेशल वीडियो। देख पा रहे हो आगे कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कलर सेलिब्रेशन एंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस का माहौल बना हुआ है। तो आज इस मौके पे हम बनाने जा रहे हैं दिवाली पे रंगोली। तो किस तरीके से मैंने अपने दिवाली पे अपने घर के फ्रंट में मेन एंट्रेंस डोर के सामने एक ब्यूटीफुल सी प्यारी रंगोली बनाई है, इस तरीके की रंगोली आप भी अपने घर के सामने बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम अपनी रंगोली को बनाकर कंप्लीट करते हैं एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना समय गवाए। यहाँ पे आज की रंगोली मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों मिलके एक साथ बना रहे हैं, क्योंकि दिवाली अपने परिवार के साथ मनाने में जो मज़ा है वो और किस चीज़ में है। तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन अपने हिसाब से एक प्यारी सी सर्कुलर रंगोली बना रहे हैं। हम दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि हम एक सर्कुलर रंगोली बनाएंगे अपने घर के एकदम फ्रंट डोर पे। तो इस ब्लैक कलर के ग्रेनाइट एरिया पे मैंने सोचा कि हम लोग अगर बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बीचों बीच एक गोल सर्कल बना लिया। उस सर्कल के अंदर मैंने लक्ष्मी जी के पैर बनाए। तो लक्ष्मी जी के पैर के लिए मैंने बैकग्राउंड में रेड कलर डाला है, वाइट कलर से मैंने लक्ष्मी जी के पैर बनाए। फिर डॉट डॉट गिराते हुए मैंने एक बाउंड्री बनाई है, फिर एक और पिंक कलर डाला एंड फिर वाइट कलर से आउटलाइन करी है। यहाँ पे अब मैं और मेरी बहन दोनों मिलके ग्रीन कलर से लीव्स बना रहे हैं। तो ये जो लीव्स हैं वो ऑलमोस्ट बन चुकी हैं। अब मैंने उसके बीच में वाइट कलर की आउटलाइन डालना शुरू कर दिया है एंड फिर उसके ऊपर मैंने और लाइंस बना दी हैं ताकि वो प्रॉपर लीव्स जैसा शेप दे। फिर इस तरीके से हमारा एक सेक्शन एरिया ख़त्म हो जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। फिर जो बीच बीच में एरियाज बचे हुए थे वहाँ पर मैंने वापस से रेड कलर को गिराया है एंड फिर उसके बाद उन छोटे छोटे एरियाज को भी फिल कर दिया। फिर बाहर एक और बाउंड्री बनाई है एंड उसके अंदर कलर्स को फिल किया, जिसके अंदर हमने ऑरेंज कलर को फिल किया है। अल्टरनेटिवली एंड उन एरियाज को भी फिल अप कर लिया। तो आप भी देखते जाइए एंड सीखते जाइए किस तरीके से हमने इस रंगोली को बनाकर कंप्लीट किया। अब क्योंकि ये पूरी तरीके से कलर हो चुका है, हमने इसकी वाइट आउटलाइनिंग प्लेन तरीके से कर ली एंड जो भी एक्स्ट्रा एजेस हैं, जो एक्स्ट्रा उतने अच्छे क्लीन अप नहीं दिखते हैं, उसे हम अपनी फिंगर्स से अंदर की तरफ पुल अप कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रेड कलर के डॉट्स बनाए हैं। फिर आप देख पा रहे होंगे कि मेरी बहन उसे अंदर की तरफ पुल करती जा रही हैं ताकि हमारा एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनता जाए एंड फिर एक बैंगनी रंग का भी।
तो यहाँ पे मैं एक कड़े का इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड इन दोनों कलर्स से अल्टरनेटिवली मैं फ्लावर्स बनाते जा रहा हूँ। एंड मेरी बहन उसे अंदर की तरफ पुल कर रही है एक पेन की मदद से, उसकी वजह से ये फ्लावर कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एंड फिर उसके बाद बीचों बीच एक येलो कलर का डॉट गिरा दिया है, तो वो फ्लावर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे जो फूल वाले एरियाज हैं, जो ये एक सर्कमफेरेंस जो हम एक नेक्स्ट लाइन बना रहे हैं, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बीचों बीच फ्लावर्स के ग्रीन कलर के डॉट्स करा रहा हूँ एंड उसके बाद मेरी बहन उनको अंदर की तरफ पुल कर रही है टू गिव इट अ लीफी इफेक्ट, कि ये फ्लावर एंड लीव्स की एक पूरे बुके टाइप की एक गार्लिंग टाइप की एक लाइन बनी हुई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, एक गार्डन वाला लुक देगा। फिर हम दोनों ने मिलके वापस से एक वाइट कलर की आउटलाइन बनाई, क्योंकि अब धीरे धीरे जो हमारी रंगोली थी वो बढ़ती जा रही थी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एरियाज भी बढ़ रहे थे, तो काम करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था। तो हमने लेकिन उसे भी कंप्लीट करने की कोशिश की। फिर लक्ष्मी जी के पैर के बाद जो एक हमने सर्कमफेरेंस एरिया दिया हुआ था उसमें वो थोड़ा एम्प्टी सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने येलो कलर के डॉट्स गिराए तीन पत्ती के फॉर्म में, एक ऊपर एंड उसके बगल में नीचे की तरफ दो साइड में। फिर उसे भी अंदर की तरफ पुल किया तो इस तरीके का लुक क्रिएट हो जाता है। फिर यहाँ पे एंड में हमने पूरी रंगोली को एक कमल के फूल जैसा इंस्पायर्ड लुक देने के लिए इन दो कलर्स से उसे फिलअप करके कंप्लीट किया। देख पा रहे हैं कि एक कलर मेरी बहन ने कर रही है और एक कलर मैं कर रहा हूँ फटाफट, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। अब मैंने इसके अंदर ये स्पायरल्स बनाने शुरू कर दिए हैं। अब इन स्पायरल्स को मैं हर एक पेटल के अंदर बनाते जाऊंगा एंड फिर उसकी आउटलाइन भी करके कंप्लीट करूंगा। देख पा रहे हैं कि मैं अब एक एक पेटल की भी आउटलाइन करते जा रहा हूं वाइट कलर से, अब क्योंकि सारे के सारे पेटल्स कंप्लीट हो चुके हैं। फिर जो बीच वाले सेंट्रल एरियाज हैं वहाँ पे मैं येलो से वापस से डॉट्स गिरा रहा हूँ तीन तीन के फॉर्म में एंड उसे अंदर की तरफ पुल कर रहा हूँ, ताकि पूरी रंगोली हमारी कंप्लीटेड लुक दे। फिर इन स्पायरल्स को वापस से मैं बनाते जा रहा हूँ एंड अपने पूरी रंगोली की फाइनल आउटलाइनिंग कर रहा हूँ सारे पेटल्स की। तो इस प्रकार से हमारी पूरी रंगोली बन के कंप्लीट हो जाती है। इसका सिनेमैटिक शॉट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये दिवाली की रंगोली कैसी लगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जो रंगोली वीडियो थी वो पसंद ज़रूर आई होगी।
कि आज हमारी जो वीडियो थी वो पेंटिंग एंड आर्ट से थोड़ी सी हटके थी, बट मैंने सोचा कि क्यों ना हमारी जो YouTube फैमिली है उसके अंदर हम बहुत सारे आर्ट रिलेटेड कंटेंट को आपसे शेयर करता हूँ जो भी मुझे पता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूँ एंड किस तरीके से बनाते हैं एंड आप भी इसे बना सकते हैं इस दिवाली या फिर आने वाली दिवाली या किसी भी फेस्टिवल में आपका जिसमें मन करे। तो मिलता हूँ मैं आपको जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले एंड फिर जितने भी लोग को जानते हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को एक बार और हैप्पी दिवाली, बाय बाय।